जो मुझे शाहरुख में अच्छा लगता है वो एक इंसानियत है, वो एक विनम्रता है जिसको वो नहीं भूले। मुझे अभी भी याद है जब वो यहाँ आए थे, यहाँ स्टेज पे खड़े हुए थे और उन्होंने सबसे दूर खड़े हुए लड़के को कहा था, वो चाहते थे यहाँ किसी किस्म का दंगा फसाद ना हो कॉलेज में, आखिर उनका कॉलेज है। उन्होंने कहा था जो आप बोलोगे मैं करूँगा, मुझे बोलोगे नाचोगे मैं नाचूंगा, मुझे बोलोगे गाना गाओ मैं गाना गाऊंगा, और दो चार रोज ही नहीं जो आखिर तक बच्चा खड़ा है अगर वो भी मुझे कुछ बोलेगा करने को तो मैं करूंगा। यू नो इट इज दैट, ये एक बहुत रेयर क्वालिटी होती है ह्यूमिलिटी की, जो कि शाहरुख में बहुत भरी हुई है। सर शाहरुख हंसराज कॉलेज से पढ़ा है, बिल्कुल, आप भी उसी जमाने के टीचर हैं, बिल्कुल, क्या क्या लगता है, कैसा लगता है कि शाहरुख यहां से निकल के और वहां पहुंच गए? देखिए जब मैं कॉलेज में आया था 1984 में, 1987 से हम लोगों ने कॉलेज की थिएटर सोसाइटी में दोबारा से काम करना शुरू किया था, और बहुत सारे लोग हैं बॉम्बे के जो कि इसमें जुड़े हुए थे, अनुराग थे, शिवा चड्डा, अंशुमन महाले, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने दांत जो हैं इस ऑडिटोरियम में काटे हैं। शाहरुख के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शाहरुख ने मेरे थिएटर में उस तरह से काम नहीं किया, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होता था। उसकी ऑलरेडी फौजी की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो आके हमारे बच्चों के साथ बैठता था, और एक बहुत एंडियरिंग सी ह्यूमिलिटी थी उस आदमी में, जो मैं अभी उसको रिसेंटली फिर मिला जब वो कॉलेज आया था, उसने वो अपनी ह्यूमिलिटी नहीं खोई है, विच मेक्स हिम नॉट जस्ट अ सुपर स्टार बट अ ग्रेट ह्यूमन बींग, एंड आई फॉर वन रियली लव दैट। कैसे आते थे कॉलेज में, स्टिक लेके आते थे तो क्या करते थे? वो अक्सर यहाँ बैठा करते थे फील्ड के पास पीछे उधर, ओके, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जब शुरू शुरू में हमने थिएटर कॉलेज में दोबारा शुरू किया था तो हम लोग काफ़ी यहाँ 6-7 बजे तक होते थे, तो बाहर निकलते थे, उनके दोस्त काफ़ी थे थिएटर ग्रुप में, तो उनको शायद थोड़ा सा वो लगता था, हिचकटाहट होती थी ऑडिटोरियम में आने की, तो वो वहाँ बैठा करते थे और फिर लोगों को मिला करते थे। मैं शाहरुख को हमेशा उस चीज़ से याद रखूंगा कि वो बैठ के एक फील को एक तरीके से देखने वाला एक जुनूनी बच्चा, दैट्स द वे आई वुड रिमेंबर हिम। क्या कभी लगा कि शाहरुख क्या पढ़ रहा है और एक्टिंग में इतना काम कर रहा है तो इस बुलंदी तक जाएगा, कभी आपको लगा? देखिए टैलेंट तो बहुत था इस लड़के में, इवन फौजी अगर आपने देखी हो जो उसका पहला सीरियल था, राइट, उसी के अंदर दिखता था कि ये लड़के, इस लड़के में हुनर है, ये जबरदस्त है। ये जरूर है कि एक शाहरुख जहां सक्सीड करता है वहां कई मुंबई जाते हैं और फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे में फेल होने वाली बात नहीं थी और ना ही अभी है। सर आप एक्टिंग के टीचर हैं, आप एक्ट सिखाते हैं, तो आपको कुछ कभी कुछ लगता है कि शाहरुख में कभी इसको उनकी मूवी देखते हुए आपको कभी लगा कि शाहरुख ये गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए? नहीं देखो ऐसा होता है कि एक्टिंग में, क्रिएटिव वर्क में कभी गलती नहीं होती, हम लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अब हो सकता है वो हमारा इंटरप्रिटेशन जो है वो 10 लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है 10 लाख को अच्छा लगे, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सही नहीं किया। शाहरुख में जो बेसिक चीज़ है उसने मेहनत बहुत करी है हर रोल के अंदर, और मैंने उसकी प्रैक्टिकली सारी फिल्में देखी हैं थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बीच में दो एक शायद मिस करी होंगी, और मुझे ये जरूर लगता है कि वो काम बहुत करता है, वो हर फिल्म के लिए प्रिपेयर करता है, पूरी तरह प्रिपेयर होकर आता है, ये नहीं कि मैं सुपरस्टार हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं वैसे भी कभी स्टूडेंट्स में खामियां नहीं ढूंढता, मैं पॉजिटिव्स ढूंढता हूँ और उनको आगे निकालना चाहता हूँ, और शाहरुख के पास बहुत पॉजिटिव्स है एक्टिंग के लिए भी और एक सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सर लास्ट पर 52 52वां जन्मदिन शाहरुख का है, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, क्या कहते हैं? सिर्फ ये कहूँगा ऑल द बेस्ट, मे ऑल द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस बी योर्स, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। क्या आप चाहते हैं कि हंसराज कॉलेज में शाहरुख का एक बर्थडे तो हंसराज कॉलेज में मनाया जाए? बिल्कुल डेफिनेटली, एक क्यों, सभी शाहरुख को बोलेंगे आए, इस 2 नवंबर को आए चाहे अगली आए, जब भी उसके पास समय है, और अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ। थैंक यू सर, उनसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।